साथियों, एक क्वेश्चन जो आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था कि क्या सर हम डिस्टेंस के बाद में रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं, क्या डिस्टेंस के बाद में हम गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, डिस्टेंस के बाद में हम और क्या क्या ऑप्शन है, उसकी डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो इस टाइप के आपके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे थे, तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री की वैल्यू के बारे में। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं यदि आप डिस्टेंस से पढ़ाई करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं या आप कर चुके हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, क्या हम इसके लिए गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम इसके बाद में रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं, तो पूरी डिटेल में आपको बताते हैं। तो साथियों, सबसे पहले डाउट आपको क्लियर करते हैं कि क्या हम डिस्टेंस की एजुकेशन की डिग्री के बाद में, यानी कि आपने जैसे बी ए बी एस सी बी कॉम किया है और उसके बाद में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यानी कि आप एम ए एम एस सी और आप एम कॉम करना चाहते हैं और वो आप रेगुलर करना चाहते हैं, तो क्या आप कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप, यदि आपने डिस्टेंस से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो उसके बाद में आप पोस्ट ग्रेजुएशन रेगुलर कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके लिए यूजीसी ने नोटिस जारी कर दिया है कि सभी डिग्रियां समान है, चाहे वो आप डिस्टेंस से करें, प्राइवेट से करें या फिर रेगुलर से करें। बस मायने आपको यही रखता है कि वो यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए और उस यूनिवर्सिटी के पास में डिस्टेंस का अप्रूवल होना चाहिए उस कोर्स का। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि उस यूनिवर्सिटी के पास में क्या डिस्टेंस का अप्रूवल है या फिर नहीं है और उस कोर्स का। तो आप किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि आपने बीए किया है डिस्टेंस से और उसके बाद आप एमबीए रेगुलर करना चाहते हैं या फिर आप एमए करना चाहते हैं, यानी कोई भी कोर्स आप रेगुलर करना चाहते हैं, आप बीए किया है और बीएड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या हम डिस्टेंस की डिग्री के बाद में अपने डिस्टेंस से अपना बीए कर लिया और ग्रेजुएशन लेवल पे कोई वैकेंसी आती है तो क्या हम उसको गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी को फिल कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार का यानी कि भेदभाव नहीं होगा कि रेगुलर वालों की अलग मेरिट होगी और आपका जो डिस्टेंस वाले हैं, प्राइवेट वाले हैं, उनकी मेरिट अलग होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी जो भी वैकेंसी आपकी निकलती है ग्रेजुएशन लेवल की और आपने ग्रेजुएशन डिस्टेंस से किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 1% भी सोचने वाली बात नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो यानी कि आपकी डिस्टेंस की डिग्री की वैल्यू कोई कम नहीं है, जितनी वैल्यू रेगुलर की है इतनी ही वैल्यू आपकी डिस्टेंस की है। आपको बस यही ध्यान रखना है, आप जब डिस्टेंस से करें तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी का चुनाव करना है, जो यूनिवर्सिटी अच्छी है और उसके जो अप्रूवल को आपको चेक कर लेना है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों, आप एजुकेशनल अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर हम टाइम टू टाइम जो एजुकेशन जुड़ी हुई अपडेट होती है वहां पर हम पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।